नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इटली से आए एक वीडियो ने सोचने पर बाध्य किया है कि क्या हम भारतीय कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हैं। इटली की सड़कें खाली हैं, सर्वत्र सन्नाटा पसरा हुआ है, इसके बाद भी लोग अपनी बालकनी पर खड़े देशभक्ति गीत गा रहे हैं। यह किसी राष्ट्रवाद का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि संकटग्रस्त देश को साहस देने वाला मर्मस्पर्शी दृश्य है। यह महामारी अभी पूरी दुनिया को किस मुहाने पर ले जाकर पीछा छोड़ेगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्यता सजग रहे तभी आप विपत्ति से लड़ सकते हैं। कोरोना की लड़ाई और नागरिक कर्तव्यों पर बात करूं इससे पहले एक उदाहरण डूबते हुए टाइटैनिक से उद्धृत करना चाहता हूं। 15 अप्रैल 1912 को जब बर्फ की चट्टान से टकराकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तब दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला टाइटैनिक जहाज डूब रहा था। गिटारिस्ट वॉलेस हार्टले अपने बैंड के साथ यात्रियों को शांत रखने के लिए वायलिन बजा रहे थे। अंत तक उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और दुर्भाग्यवश टाइटैनिक के साथ डूब गए। सोच कर देखिए कि क्या डूबते हुए जहाज और मौत को सामने देखकर भी बैंड के लोगों का गिटार बजाए रखना जरूरी था। हरगिज नहीं, बल्कि सभी संगीतज्ञ अपनी जान बचाने के लिए चारों ओर फैली अफरा तफरी और अराजकता का हिस्सा बन सकते थे। उन्होंने कर्तव्य को प्राथमिकता दी जिससे लोग शांत हो सके, विपत्ति से बचने के विकल्पों पर ध्यान दिया जा सके। सफलता और असफलता प्रयासों के बाद की कहानी है। क्या असफलता का भय हो तो प्रयास न किए जाएं। विदेशी मीडिया, खासकर अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया, यह बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं बदतर है। यहां कोरोना के मरीज और मौतें घोषित मरीजों की संख्या और मौतों से कहीं अधिक है। दुर्भाग्य से ये खबरें भारतीय वामपंथी पोर्टलों और पत्रकारों के हवाले से चलाई गई हैं, जिनकी इस गंभीर मसले पर बोलने की अथॉरिटी ही नहीं है। हर मसले में विचारधारा की टंगड़ी अड़ाई जाए आवश्यक है क्या? यही देश है जो पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने जैसा असंभव कार्य कर सकता है। इसलिए भगवान के लिए, खुदा के लिए, जीसस के लिए या मार्क्स लेनिन माओ, जिसके भी वास्ते आप सजग और एकजुट होने के लिए सहज हो सकते हैं, प्रयास कीजिए। अफवाहें भी फैलाना बंद कीजिए, निजी प्रयोगों को दवा बताकर साझा करना बंद कीजिए। भक्तों चमचों वाली लड़ाइयों को कुछ समय के लिए युद्ध विराम देकर इटालियों जैसे उदाहरण पेश करने का यह समय है। अधिकार की मांग जारी रहे, लेकिन नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का भी तो यह समय है। सरकार से इस महामारी में हमें क्या चाहिए, इसकी अनेक सूचियां जारी है, अखबार रंगे हुए हैं, यह सब ठीक, लेकिन विचार करें कि हम कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। कौन लोग हैं जो सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स जैसी चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं? प्रयोग कर फेंके गए फेस मास्क को फिर से बेचे जाने का प्रयास हो रहा था, कुछ खेप पकड़ी गई है। सोचिए तो कि ये कौन लोग हैं जिन्हें चंद रुपयों के लिए सामूहिक जन हत्या करने में हिचक नहीं। नकली सैनिटाइजर बाजार में आ गए हैं, कैसे निर्लज्ज लोग हैं जो इन्हें बना रहे हैं। सबसे डरावनी स्थिति वे लोग निर्मित कर रहे हैं जो विदेश यात्राओं से लौटकर भी सार्वजनिक स्थानों में जा रहे हैं, जबकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भले ही आप स्वस्थ प्रतीत हो रहे हों, संभव है वायरस के कैरियर हैं और अनेक लोगों तक इसके फैलाने में आपकी भूमिका हो सकती है। क्वारंटाइन करने के बाद अस्पतालों से, कैंपों से भाग रहे मरीज सहानुभूति के पात्र नहीं, बल्कि मानवता को खतरे में डालने वाले लोग हैं। आइए कुछ न करें, कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां सीमित कर लें, यात्राओं को टाल दें, समारोहों आयोजनों को न आयोजित करें, न उनमें जाएं। इतने भर से भी आप महामारी से जारी लड़ाई में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। घुमक्कड़ी मेरा स्वभाव है, लेकिन मैंने मार्च अप्रैल की पूर्व निर्धारित यात्राएं स्थगित कर दी हैं, टिकट कैंसिल करा लिए हैं।
संकट से बचाओ भी उसके प्रसार का निषेध ही तो है। मित्रों आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।